कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से निर्मला सीतारमण को कैबिनेट से हटाने की बात की। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत के सिलसिले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश के बीच 4 घंटों में 3 लैंडस्लाइड की घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। झारखंड चक्र धारापुर डिवीजन के पास तड़के हावड़ा मुंबई पैसेंजर ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर जाने से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। पेरिस ओलंपिक में मैन ट्रायलथॉन जो पहले मंगलवार को होने वाली थी, सीन नदी में पॉल्यूशन का उच्च स्तर के कारण पोस्टपोन कर दी गई है। भारत में पिछले 5 सालों में हाथियों के हमलों के कारण 2829 लोगों की मौत हो गई है और अननेचुरल रीजन से 528 हाथियों की मौत हो गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा आज तीसरा T20 मैच। दोनों टीमों ने एक एक मैच की भड़क बनाई हुई है। माँ चंडी के भक्तों के लिए खुशखबरी, कल यानी 29 जुलाई से शुरू हो चुकी है मचेल यात्रा। चाइना ने 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण पूरा कर लिया। ये पुल 1958 से चाइना के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित है।